नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात कांग्रेस के झटके की। जी हां, छिंदवाड़ा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक गंभीर सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कई कांग्रेस नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। मुरैना जिले के भी 6 कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा, मंत्री इंदल सिंह ने भाजपा की सदस्यता दिलाई है। तो लगातार कांग्रेस की तरफ से दिग्गज बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और अब छिंदवाड़ा में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बड़ा झटका कांग्रेस को छिंदवाड़ा में। एक ही सीट मात्र लोकसभा की, एक ही सीट कांग्रेस के पास, और वो भी कहीं ना कहीं अब बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चूंकि इतने बड़े बड़े नेता जब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो सपोर्ट वोट किस तरफ जाएगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। अब जो है, इतने बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है, बीजेपी का दामन थामा है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस इससे कमजोर होती हुई भी नजर आएगी। आज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छिंदवाड़ा के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, बंटी साहू जी, हमारे अदल सिंह दरसाना जी और पूरे छिंदवाड़ा के लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबका भारतीय जनता पार्टी में बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी देंगे कि आखिर किस तरह से कांग्रेसी इतने बड़े बड़े नेता जो हैं बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं, और अब तो छिंदवाड़ा में भी बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। वासु, ये तस्वीर दिखाती है जिस तरह से बड़े नेता या कार्यकर्ता नेता जिस तरह से बीजेपी का रुख कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भविष्य की चिंता सभी को सता रही है, इसीलिए भविष्य का सोच करके बीजेपी में जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए विपरीत समय है और कांग्रेस से लगातार नेता जो हैं वो छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे। बीजेपी ने इसके लिए एक अभियान चलाया हुआ है जिसमें बीजेपी लगातार कांग्रेस नेताओं की बीजेपी में ज्वाइनिंग कराने का काम कर रही है। और आज भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। छिंदवाड़ा के चोरई से पूर्व विधायक गंभीर सिंह ने बीजेपी का दामन थामा है। उसके अलावा कई और नेता शामिल हुए हैं। मुरैना से कई कांग्रेस के पदाधिकारी जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, और ये चिंता का सबब लगातार कांग्रेस के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। और एक बड़ी चुनौती भी खड़ी हो गई है कि लोकसभा चुनाव के ऐन पहले जिस तरीके से दलबदल का दौर दिखाई दे रहा है, इस डैमेज को आखिरकार कांग्रेस पार्टी कैसे कंट्रोल कर पाएगी। तो अगर 19 के चुनाव की बात करें तो वहाँ पर भी बीजेपी का एक तरफा दबदबा था। सिर्फ छिंदवाड़ा की एक सीट ऐसी थी जहां पे कांग्रेस जीतने में सफल हुई थी, लेकिन बड़े संख्या में कांग्रेस के भी, छिंदवाड़ा कांग्रेस के भी बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी में आप शामिल हो रहे हैं। तो वो ये वहां पर भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी जो चुनौती है वो खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कल ही वहां पर ऑफिशियली अभी तक ये बात कही जाती थी कांग्रेस की तरफ से कि मान सम्मान हो सकता है, आकांक्षाएं शायद बहुत ज्यादा थी जिस वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस ही छोड़ रहे हैं। पर वो तो इतर है, पर ये भविष्य की चिंता शायद ज्यादा है जिस वजह से रुख बीजेपी का ये सभी नेता कर रहे हैं। और कितना भारी ये पड़ेगा और कितनी कमजोर कांग्रेस होगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया वासु। आगे बढ़ते हैं और जिक्र अब करते हैं लिस्ट का। आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट मध्य प्रदेश के लिए जारी हो सकती है। एमपी के 5 सीटों पर नाम आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक संभावित जो नाम है, संभावित जो उम्मीदवार है, वो भी हम आपको बता देते हैं। उज्जैन का जिक्र किया जाए तो रानी जाटव यहां से प्रत्याशी बन सकती हैं। धार से गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी का नाम सामने आ रहा है। इंदौर से शंकर लालवानी हैं। बालाघाट से मौसम बिसेन, वैभव पवार, ये दो नाम चल रहे हैं। इनमें से एक का चुनाव करना है, शायद इसी में समय लग रहा है। छिंदवाड़ा का जिक्र किया जाए तो यहां पर 3 नाम सामने आ रहे हैं और इन तीनों में ही शायद एक पर शायद मुहर लगे, इसी में अभी शायद बीजेपी लगी हुई है कि किसे उतारना चाहिए मैदान में। मोनिका बट्टी है, नथन शाह हैं, बंटी साहू हैं, ये 3 नाम छिंदवाड़ा से सामने आ रहे हैं। इनमें से एक पर मुहर लगना तय है।
तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए और इसी दौरान उन्होंने नाराजगी की चर्चाओं पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, मैं पहले भी मिलने आता था, इस बार भी महज एक औपचारिक मुलाकात के लिए ही आया हूं। तो वहीं डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुलाकात के बाद जीतू पटवारी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह हमारे द्रोणाचार्य हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नाराजगी की बात केवल कोरी अफवाह है। पार्टी के काम के लिए आना जाना रहता है, पहले भी आते थे, आज भी आए, इसमें कोई नई बात कौन सी हो। कल नरोत्तम मिश्रा जी से मुलाकात हुई, आज पीसीसी चीफ से मुलाकात हुई। किससे? नरोत्तम मिश्रा जी से मुलाकात। आज से मिल रहा है क्या? हम मिलना कोई अपराध है क्या? अगर मिले आए किसी से तो आपके लिए खबर बन गई। कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? हम अब विचार कर रहे हैं। नाराज तो नहीं है? नाराज तो नहीं है। क्या नाराज? नाराज तो नहीं है। अरे कोई गाय की होगी। पिता तुल्य है और डाक साहब ने पूर जोर ये कहा कि जीतू पटवारी को पार्टी का अध्यक्ष बनाओ। जब पार्टी ने कंसीडर किया, ये हमारे द्रोणाचार्य है और ये जी भी हम परिवार के लोग कांग्रेस के हर परिस्थिति में संघर्ष में और कांग्रेस की आइडियोलॉजी को घर घर ले जाएंगे। डाक साहब हमारे सबसे अग्रज है। भिंड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर मंदिर में दर्शन करने गई भिंड लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी सांसद संध्या राय का जमकर विरोध हुआ। लोगों ने सांसद को खूब खरी खोटी सुनाई। स्थानीय लोगों और सांसद की बहस का एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो में 5 दिन पुराना जो है वीडियो बताया जा रहा है। ये संध्या राय मेहगांव के वनखंडेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए आई थी और उसी दौरान इन्हें विरोध का सामना करना पड़ा और खरी खोटी भी सुननी पड़ी। भिंड लोकसभा क्षेत्र से टिकट कटने के बाद कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया का दर्द छलक उठा है और इस सीट पर कांग्रेस से फूल सिंह भरैया को टिकट मिला है। देवाशीष ने सोशल मीडिया पर लिखा, मध्यम वर्गीय परिवार से होते हुए 5 साल पेट काटकर क्षेत्र में संघर्ष किया, वफादारी, ईमानदारी और संघर्ष की खूब सजा मिली। इसके अलावा उन्होंने कहा, मैं भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र के सभी साथियों, समर्थकों और शुभचिंतकों से कहना चाहता हूं कि आपके अभूतपूर्व स्नेह को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मेरी पीड़ा केवल मेरी नहीं, उन सब साथियों की है जिन्होंने रात दिन मेरा साथ दिया, निरंतर परिश्रम और सतत संपर्क रखा। मेरे लिए भी कठिन और चुनौतीपूर्ण समय है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि धैर्य रखें, मैं जल्द ही आप लोगों से मिलूंगा। एक बार फिर पीला पंजा चलाए जबलपुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर एक्शन में प्रशासन नजर आया। अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सरकारी गौशाला की जमीन पर दरअसल माफियाओं ने कब्जा कर रखा था। सरकारी भूमि पर ईंट भट्टे का कारोबार भी चल रहा था। मझौली तहसील के पड़रिया गांव का यह पूरा मामला है, जहां से अतिक्रमण हटाया गया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हरदा ब्लास्ट केस में बड़ा एक्शन लिया गया। सस्पेंड निरीक्षक नवीन कुमार बरवा के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। दरअसल नवीन कुमार बरवा के खिलाफ विभागीय जांच अब शुरू हो चुकी है। जांच कमेटी ने विभाग को चार्जशीट भी सौंपी। फैक्ट्री में धमाके के बाद कारखाना निरीक्षक को निलंबित भी किया गया था। भोपाल के औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रभारी एपी सिंह को भी निलंबित किया गया। उदासीनता और लापरवाही के कारण ये निलंबन की कार्रवाई की गई। तो हरदा ब्लास्ट केस में बड़ा एक्शन लिया गया है, निलंबन की कार्रवाई यहां पर की गई है। एपी सिंह को भी निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बता दें 13 लोगों की जान इसमें चली गई थी, कई गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे और उसके बाद ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है।
इंदौर सहित अन्य शहरों में जीएसटी का छापा पड़ा है। करोड़ों के टैक्स चोरी की जानकारी मिली थी और जीएसटी विभाग की टीम ने 10 टीमें बनाई और कार्रवाई की। टैक्स चोरी को लेकर सर्चिंग भी की गई। इंदौर के बड़े व्यापारिक समूह के ठिकानों पर यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये भी जानकारी आपको हम दे दें कि न्यूज 18 ने प्रमुखता से जीएसटी चोरी की खबर दिखाई थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। तो इंदौर के साथ ही कई सारे शहरों में जीएसटी की कार्रवाई देखने को मिली है, जीएसटी का छापा देखने को मिला है। करोड़ों के टैक्स चोरी की जानकारी मिली थी, हमने प्रमुखता से यह खबर भी दिखाई थी, जिसके बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। जिक्र अब जबलपुर का, जहां पर बड़ी उपलब्धि व्हीकल फैक्ट्री कि यह बड़ी उपलब्धि मिली है। सेना के लिए बनाए एमपीवी यानी माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल और टेम्परेचर मेंटेन वाटर टैंकर सेना के लिए बनाए गए। वाहनों की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है, जल्द सेना के बेड़े में शामिल होंगे ये हाईटेक एडवांस्ड व्हीकल। वाटर टैंकर में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी ठंडा रहेगा पानी, -50 डिग्री कम तापमान में भी पानी बर्फ नहीं बनेगा। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए सभी व्हीकल्स। स्वदेशी तकनीक से ये सभी एडवांस बैंक तैयार किए गए हैं, सेना के लिए बनाए गए हैं। वाहनों की टेस्टिंग अब पूरी हो चुकी है, जल्द सेना के बेड़े में ये सभी शामिल होंगे। बता दें 50 डिग्री पर भी ठंडा रहेगा पानी, -50 डिग्री पर भी नॉर्मल पानी रहेगा, बर्फ नहीं जमेगी।